हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल को और क्रिएटर 74 पर। आज हम लेकर आए हैं स्ट्रेचेबल कमीज की पूरी सिलाई। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेचेबल कमीज को सिलाई कैसे करते हैं, ताकि हमारा कपड़ा कभी भी सिलाई टूटेगी नहीं। सबसे पहली बात, हमें गला लगाना ऐसे गले को बुकरम के साथ मैंने पहले ही चिपका लिया था, तो उसकी ऐसे सिलाई लगाने के बाद सेंटर में से कपड़ा कट कर देंगे। इसको कभी भी खींचना नहीं है, कपड़े को आपने ऐसे आराम से रख रख के इसको सिलाई करनी है, तो आपकी सिलाई कभी भी नहीं टूटेगी। और इसको सिलाई भी आपने 14 नंबर की सुई से करना है, ताकि आपका कपड़ा भी ना फटे। और देखिए, ऐसे हमने नेक को लगा दिया, बुकरम को नेक के, और बड़ा टांका कर दिया। फिर उससे हम ऐसे कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में तरपाई कर देंगे। आप लोगों को इसके लिए 2-3 ट्रिक्स समझनी है। पहली ट्रिक तो यही है कि आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम आराम से कपड़े की कटिंग करनी है। और फिर हम ऐसे बैक नेक कटिंग कर देंगे। इसका बैक नेक ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर ऐसे कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है तो कंधे गिरने लग जाते हैं, और जो फालतू कपड़ा का उसको भी हम कटिंग कर देंगे। और जो स्लीव से निकला हुआ कपड़ा, उसी में से हम ऐसे तिरछा करके रेब टेप निकाल देंगे, और 1.5 इंच चौड़ी। और दूसरी ट्रिक इसमें है, आपने 14 नंबर की सुई से ही इसको सिलाई करना है। और आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन सी ट्रिक को यूज़ करेंगे और आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आ जाएगी। पहले हम ऐसे इसको रखकर सिलाई करेंगे। कमीज़ को सीधा रखना है, और जो हमने रेब टेप कटिंग करी है उसको उल्टा रखेंगे, मतलब उल्टा ऊपर रखेंगे, सीधा सीधा रेब टेप का सीधा पार्ट है जो नीचे रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि इसमें कोई कमी है, ताकि मैं आगे से सुधार कर सकूं। और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, पूरी वीडियो भी नहीं देखते। उसके बाद हमें ऐसे टक लगाने के बाद ना इसको फोल्ड कर देंगे, जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उस पर ऐसे पिन लगा देंगे, और पूरी सिलाई कर देंगे ऐसे। बिल्कुल ऐसे सिलाई के साथ साथ लगाना, और जो हमने रेब टेबल कही है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई बाहर की साइड नहीं निकलनी चाहिए, और नीचे से भी कपड़ा नहीं छूटना चाहिए, तो बहुत सफाई से आपकी रेब टेप लग जाएगी। बीच में ही ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, ट्रैक्टर आ गया। और फालतू कपड़ा हम ऐसे कटिंग कर देंगे, ताकि हमें जब तरपाई करनी है ना तो फोल्ड करने में आसानी हो जाए। अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो आप 14 नंबर की सुई से इसको सिलाई करेंगे। अगर आपके पास छोटी वाली मशीन है तो आप 11 नंबर की सुई से सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि 14 नंबर की सुई से जो टांका बड़ा आएगा, स्ट्रेचेबल कपड़ा है ना, तो हम ऐसे इसको फोल्ड कर दिया। देखो कितनी आसानी से और सफाई से हो गया। अब हम दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे हम रखेंगे, फालतू कपड़ा कटिंग कर दिया, और ऐसे रख के ना सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने पाइपिंग लगाई है उसको ऐसे छोड़ देना है, उसको ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। हम जहाँ से ही सिलाई शुरू करेंगे, पहले जहाँ सिलाई डबल कर देंगे, ताकि हमें तरपाई करने में आसानी रहे। फिर हम ऐसे दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। आज मैंने पूरी सिलाई की वीडियो रखी है, इसको बिल्कुल भी ट्रिम नहीं किया, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से पता चल सके
क्योंकि सभी बिगनर को नहीं मालूम होता ये जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है उसकी सिलाई कैसे करते हैं। आपका कपड़ा बिल्कुल भी ऐसे टांका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और सिलाई भी नहीं टूटेगी। ये देखिए दोनों हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया। अब हम इसकी फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी खिंचाई नहीं करनी इसकी, ऐसे सॉफ्ट हाथों से ना इसको बराबर रखेंगे। आराम आराम से इसको ऐसे बिल्कुल बराबर रख के हम सिलाई करेंगे ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी ख़राब ना हो और फिटिंग भी अच्छी आए। ये कपड़ा भी दो प्रकार का होता है, एक कपड़ा थोड़ा अच्छा होता है उसमें हम प्लेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का है तो हम इसमें प्लेट्स नहीं लगाएंगे। अगर प्लेट्स लगाएंगे तो जहाँ से कपड़ा सूट जाएगा और सिज भी जाएगा, पता नहीं आप क्या बोलते हो हिंदी में, तो इसमें गलियां गलियां दिखाई देने लगेंगी जहां हमने प्लेट्स लगाई होंगी। ऐसे हम दोनों तरफ से फिटिंग कर देंगे। फिटिंग का निशान मैंने पहले लगा लिया था जब कटिंग की थी, आप लोग कटिंग की वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपने अगर पटियाला सलवार की सिलाई नहीं देखी है तो वो भी चैनल पर है, पूरे सूट की रेड कलर के सूट की पूरे की कढ़ाई वाले सूट की लाइनिंग वाला कमीज और पटियाला सलवार की सिलाई कटिंग की वीडियो भी अपलोड की हुई है। हम दोनों साइड ऐसे फिटिंग कर देंगे, हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि कभी हम सिलाई इसको खोलना पड़े तो हमें मशीन पर नहीं बैठना होगा, ऐसे ही सिलाई खोल देंगे। अब हम आई बनाएंगे चाक पर जिससे कि आपका कमीज फटेगा नहीं कभी। ये 1.5 इंच है, 2 इंच चौड़ी, आप कितनी भी लंबी रख सकते हो, लेकिन ये 6 इंच है। जो गले की लीर थी हमने उसी को साइड से और फिर उसको ऐसे आसान रहेगा, हम इसको सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे जैसे हम डोरी बनाते हैं ताकि कपड़ा छूटेगा नहीं। अब हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे, 1 मिनट में ये पलट जाएगा। देखिए हम इसको अब सेंटर से कटिंग कर देंगे ताकि दोनों साइड चौक पर लगा दें। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो बीच में ही, वो भी है जहाँ चैनल पर, हम ऐसे लगाएंगे दोनों साइड से कपड़े को ऐसे खोल देना और उसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए आप ध्यान से देखना जहाँ से जहाँ तक, और फिर ऐसे ही हमें सिलाई लगा देनी है जहाँ हमारे चाक की सिलाई होगी ना वहाँ से हमने फिर से बैक मोड़ देना दूसरी साइड को, ऐसे जहाँ से सिलाई के पीछे ही रखनी है इस सिलाई को, ऐसे सिलाई लगा दी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए। ऐसे देखो चाक को ऐसे खोल दिया ना, ऐसे खुला हुआ है, बाहर की साइड बिल्कुल भी सिलाई नहीं जाएगी। ऐसे जहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में मत छोड़ा करो। ऐसे ही दूसरी साइड भी लगा देंगे। देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे जहाँ तक ही सिलाई लगानी है, जहाँ से जहाँ तक। अब हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे, पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। ये दूसरी स्लीव है, इसको भी ऐसे सिंगल फोल्ड रखेंगे बड़े टांके से।
और अब इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये बॉर्डर है ना, इसको बॉर्डर को देखना है यहाँ तक ऐसे हम फोल्ड कर देंगे इसको। अगर आप लोग बोलोगे कि स्ट्रेचेबल पजामे की सिलाई कैसे की जाती है और सलवार की, तो उसका भी वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी स्ट्रेचेबल पजामा, जैसे हम रेडीमेड पजामा लेते हैं उसकी सिलाई कैसे करते हैं और कटिंग कैसे करते हैं, एक ही वीडियो में आएगा दोनों। देखिए अब हम ऐसे इसकी फिटिंग करेंगे बाजू की, जहाँ हमने काट लगाई थी उसको हम ऊपर रखेंगे। और ऐसे कमीज का शोल्डर है ना, उसको हम इसके बराबर रख के निशान लगा देंगे। ये देखिए ऐसे कपड़ा सिलाई लगाई है, बिल्कुल भी नहीं छूट रही। अगर आप आराम से लगाओगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। ये देखिए हमने निशान लगाया हुआ था एक बाजू की। मैं आप लोगों को इस जो कर्व वाली फट्टी होती है उससे निशान लगा के बताऊंगी, और दूसरी से आप दूसरी पर आपको इंची टेप से कि आप कर्व वाली सिलाई कैसे लगा सकते हो, वो भी इंची टेप से ही। ये देखिए अगर आप इंची टेप से लगाते हैं ना तो उसमें इतना कपड़ा रह जाता है तो आपकी बाजू में झोल आता है, यही कारण होता है बाजू में झोल आने का। आपको मैं दूसरी स्लीव बताऊंगी ना, पहले इंची टेप से निशान लगाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि बिल्कुल फट्टी जो होती है ना निशान लगाने वाली उसके बिल्कुल बराबर आएगा निशान। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं छूट रही सिलाई, टांका टूटेगा नहीं अगर आप आराम से लगाओगी। और एक अपना जो थ्रेड लगाते हैं ना वो भी पक्का होना चाहिए, अगर कच्चे थ्रेड से सिलाई करोगे तो वो भी जल्दी छूट जाती है और कपड़ा आपका उधर जाएगा। और सिलाई भी अच्छी नहीं आएगी उससे। आप लोग बताना कि वीडियो में क्या गलती हो रही है, कि आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे तो हम उसमें सुधार भी लाएंगे। ये देखिए निशान अब जो हमने काट पाई थी उसको हम आगे रखेंगे और ऐसे ही कमीज को रखेंगे। इस स्लीव को ऐसे सीधी रखेंगे और कमीज को उल्टा रखेंगे और ऐसे नेक की तरफ से इसमें इंसर्ट कर देंगे और सिलाई से सिलाई ऐसे मैच करके देखिए बिल्कुल बराबर आया। इसको भी बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से ही सिलाई लगानी है इसको। आप जितनी आराम से सिलाई लगाओगे ना उतना ही सिलाई अच्छी आएगी, कभी भी जल्दबाजी में सिलाई मत करना। जी देखिए एक स्लीव हो गई, अब मैं दूसरी स्लीव आप लोगों को बताऊंगी कि उसको कैसे करना है। पहले हमें ऐसे डबल कर देना और जहाँ पर काट लगाई है वो ऊपर रखना है। आपने स्लीव का ना सेंटर कर देना वहाँ। ये देखिए हम ऐसे पहले निशान लगा लेते हैं जहाँ तक जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई है, और हमें मोरी का निशान लगा दिया। अब हम इसका सेंटर करेंगे, जैसे 16 इंच स्लीव लंबी है तो हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। 8 इंच तक हमें ऐसे सीधी ही लगानी है, उसके बाद थोड़ा इंची टेप को ऐसे थोड़ा घुमा देना है ताकि आपकी सिलाई में बिल्कुल भी झोल ना हो। अब देखिए हम आपको बताते हैं ये कर्व से बिल्कुल बराबर आया। ये देखिए जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर है। आपको यही ध्यान रखना है कि 1.5 इंच मतलब आपके जो जितनी भी स्लीव लंबी है ना उसका सेंटर कर देना है।
जी आप देखना, बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको सिलाई बहुत जल्दी आ जाएगी और परफेक्ट सिलाई आएगी। जी देखिए, हमें ऐसे ही रख के फिर इसको भी सिलाई लगा देनी है। स्लीव को सीधी रखना है, कमीज को उल्टा रखना है और दोनों साइड ऐसे इकट्ठा करके सिलाई लगा देनी है। जहाँ तक हमारे कमीज की सिलाई पूरी हो गई, अब हम आपको बताएंगे कि इसको फोल्ड नीचे से कैसे करना है। जी देखिए, बिल्कुल भी झोल नहीं आ रही बाँह में। जी देखिए, हमने टक लगा दिया जहाँ से हमें फोल्ड करना है। पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे इसको भी, जैसे स्लीव को किया था, तो आपकी सिलाई कभी भी नहीं छूटेगी, तरपाई भी नहीं टूटेगी बिल्कुल आपकी, अगर आप पहले एक सिलाई ऐसे लगा लेती हो। क्योंकि जितना भी कपड़ा फ्लेक्सिबल होगा तो आपकी सिलाई जल्दी टूट जाएगी, और ऐसे सिलाई लगाने से आपकी सिलाई बिल्कुल भी तरपाई भी नहीं छूटेगी और तरपाई अच्छी भी आएगी। और हम जहाँ से फोल्ड करेंगे, जहाँ हमने टक लगाया था, इसको भी आपने बिल्कुल खींचना नहीं है, क्योंकि हमने जो पहली सिलाई लगाई है उसको खींच लिया, तो अब जो हम दूसरी सिलाई लगाएंगे उसको बिल्कुल भी नहीं खिंचाई करेंगे। देखिए उसी तरह दूसरी साइड से भी। आज आपको पूरा वीडियो देखने को मिला है कमीज की सिलाई का, ऐसे ही आपको और भी वीडियो आते रहेंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि क्या सिलाई के लिए सही है क्या नहीं है। जी देखिए, अब हम जितना भी हमें घेर रखना है ना, उस पर निशान लगा देंगे ऐसे ही दूसरी साइड, तो जहाँ से हम चौक को फोल्ड कर देंगे। आप लोग ये बताना कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। ऐसे हम फोल्ड कर देंगे इसको, पहले ऐसे सिंगल, फिर इस डबल फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमने लगाई थी ना, आई लगाई थी कपड़े की, वहाँ से हमें दूसरी साइड को ऐसे फोल्ड कर देना है, जहाँ हम ऐसे पिन लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो, और ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे देख कितना अच्छा, बिल्कुल भी इसमें बाल नहीं आया। और ऐसे ही हम दूसरा चौक भी फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितनी सफाई से आई सिलाई। दूसरा चौक भी ऐसे ही हम सिलाई कर देंगे, उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, और ऐसे जहाँ आई लगाई थी वहाँ से हम सिंगल फिर डबल फोल्ड करने के बाद उसको सिलाई कर देंगे। जी देखिए, हमारा बिल्कुल बराबर होगा, हम जहाँ से फोल्ड करेंगे दूसरे चौक को, ताकि दोनों घेर एक बराबर हो जाएं। आप लोग ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, ताकि आगे से हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो लाएँ। ये देखिए कमीज की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हो गई, हम इसको ऐसे तरपाई कर देंगे। अभी आपको बताते हैं तरपाई के बाद। ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।